नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आप इंस्टाग्राम का अकाउंट किस तरह से वेरीफाई करा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वेरीफाई करा सकते हो। सबसे पहले जो है आपको अपने इंस्टाग्राम जिस भी इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो आपको साइट में स्क्रीन में नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना अकाउंट ऐसे खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको जो है, जैसे आप अपना प्रोफाइल पर आ जाओगे तो नीचे में आपको यहाँ पर अपना लोगो दिखाई देगा कॉर्नर में, ठीक है, नीचे में। तो उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में जो है आपको यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देगा सबसे ऊपर में। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर जो है क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर नीचे में जो है आपको मिल जाएगा अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। तो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो यही चीज जो है आपको वेरीफाई करवाता है, जो आपका नाम का बाद में जो है एक ग्रीन टिक आता है, तो वही जो है आपको अगर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है तो आपको जो है आपका नाम का बाद जो है ग्रीन टिक जो है वेरीफाइड का जो है वो आ जाएगा। तो आपको इसमें रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है। यहाँ पर आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पे मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से आपको ब्लू टिक के लिए जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ऊपर में जो है आपका नाम आ गया, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नाम डालना है, आपका जो भी नाम है आपका फुल नाम जो है वही डालना है जो डॉक्यूमेंट में है। तो उसका बाद जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है देकर वेरीफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट टाइप क्या करना है। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, टैक्स फिलिंग, रिसेंट यूटिलिटी बिल और उसका बाद आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस सही रहेगा क्योंकि सबका पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस तो होता ही है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी जो है इसको वेरीफाई करा सकते हो। बाकी अगर आपका पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप यहां से भी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका पास अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर चूज फाइल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो उसका जो है यहाँ पर आपको इमेज जो है जो भी फोटो है वो जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद जो है आपको नीचे में और भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो मतलब आपका जो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो कौन सा कैटेगरी में आता है। तो आपको कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी आपका है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गेमर हो तो गेमर वाला सेलेक्ट करना है, अगर आप फैशन में रहते हो तो भाई फैशन वाला, म्यूजिक का हो म्यूजिक, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स, और अगर आप यूट्यूबर हो या फिर कुछ भी इन्फ्लुएंसर हो ब्लॉगर हो तो आपको ये जो है डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर इसको आपको क्लिक करना है। तो जो भी चीज़ आप करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन है, तो ऑडियंस में आपको करना है कि ऑडियंस जो है आपको ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। डिस्क्राइब पीपल, ओके, तो आपको कौन कौन लोग फॉलो करते हैं, कौन कौन लोग जो है आपको फॉलो करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑल्सो नॉन एस यहाँ पर और भी एक ऑप्शनल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है कि भाई आपको जो है कोई दूसरा नाम से भी जानता है। एग्जांपल मेरा जो टैग विद संजय है, तो टैग विद संजय को अगर कोई दूसरा नाम से भी जानता है लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर हो गया लिंक, तो आपको यहाँ पर लिंक डालना है। अगर आपको आपका यूट्यूब में अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, आपका वीडियोस में बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, तो ऐसा जो भी आपका ज़्यादा चलता है तो उसी का आपको लिंक यहाँ पर डाल देना है। फेसबुक का पेज का लिंक भी डाल सकते हो, जो चलता है वही आपको यहाँ पर डालना है। फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी लिंक यहाँ पर आप एक दो डाल सकते हो, ठीक है। उसको डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में जो है सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो है ये जो है रिव्यू में चला जाएगा और इंस्टाग्राम का लोग जो है वो उसको आपका जो प्रोफाइल है उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद जो है अगर आपका प्रोफाइल जो है बिल्कुल अच्छा है, वेरीफाइड हो सकता है, तो आपका प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई करा देगा। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तब तो भाई आपका ब्लू टिक जो है आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है आप अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करा सकते हो। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बोला है कि भाई आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रेज होना चाहिए, आप जो है बहुत
बड़ा हस्ती होना चाहिए, वही चीज़ है यहाँ पर। आपका अगर फॉलोअर्स बहुत कम है, आपको अपना वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है, आपका जो फोटोज है जो भी आप अपलोड करते हो उसमें जो है आप पीपल रिच नहीं करता है, एंगेजमेंट नहीं है, तो भाई ऐसा में नहीं होगा आपका वेरीफाई। आपको कुछ बड़ा होना पड़ेगा तभी जाकर आपको ये वेरीफिकेशन मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से जो है आप इसको वेरीफाई करा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।